नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM PM टाइम्स। साथियों, इस वक्त मैं अयोध्या स्थित कनक भवन परिसर में मौजूद हूं। इसे कनक भवन मंदिर भी कहा जाता है। कनक भवन के प्रवेश द्वार पर लगे पूरा लेख के अनुसार कनक भवन त्रेता युग में भगवान श्री राम एवं माता सीता के रहने का सोने से मढ़ा हुआ महल था। द्वापर युग के शुरू में भगवान श्री राम के बड़े पुत्र महाराज कुश ने इसे अपने पिता श्री की स्मृति में पुनर्निर्मित करवाया था। तत्पश्चात द्वापर युग के मध्य में महाराज ऋषभ देव ने इसे फिर से बनवाया था। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे थे। कलयुग में सर्वप्रथम महाराज विक्रमादित्य ने इसका निर्माण युधिष्ठिर संवत 2431 में कराया था। फिर इसका विस्तार और मरम्मत कार्य महाराज समुद्रगुप्त ने विक्रम संवत 444 में कराया था। दुर्भाग्यवश विक्रम संवत 1084 में एस सालार जंग ने इसे ध्वस्त कर दिया था। वर्तमान भव्य कनक भवन मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा ओरछा राज्य के महाराजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह जूदेव की धर्म पत्नी महारानी वृषभान कुंवर ने विक्रम संवत 1948 यानी कि सन 1891 में वैशाख सुदी षष्ठी को गुरु पुष्य नक्षत्र में करवाया था। उल्लेख नहीं है कि इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम और माता सीता की 3 जोड़ी मूर्तियां स्थापित हैं। भक्त जहां से इनके दर्शन करते हैं उनके दाहिने तरफ वाली पहली जोड़ी मूर्तियां महारानी वृषभान कुंवर द्वारा स्थापित की गई थी, जबकि बाएं तरफ वाली दूसरी जोड़ी मूर्तियां महाराजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित प्राचीन मंदिर की हैं। इसके नीचे वाली तीसरी जोड़ी मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी। इन समस्त जानकारियों वाला शिलालेख मंदिर के प्रवेश द्वार पर रामनवमी 13 अप्रैल 2019 को श्री वृषभान धर्म सेतु ट्रस्ट के अध्यक्ष टीकमगढ़ के महाराजा मधुकर शाह जूदेव और उपाध्यक्ष अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के आदेश पर अजय कुमार छावछरिया ने स्थापित कराया था। राम नगरी अयोध्या की प्राचीन सिद्ध पीठ में सम्मिलित कनक भवन का पौराणिक महत्व भी है। ऐसा कहा जाता है कि महारानी कैकेयी ने अपने स्वर्ण मंडित महल कनक भवन को सीता जी को मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप दिया था। ज्ञात हो कि साधुओं में विशेषकर रसिक संप्रदाय के संतों में इस धर्म स्थल के प्रति अपूर्व निष्ठा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कोई न कोई अद्भुत घटना प्रायः घटित हुआ करती हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि के साथ ही कनक भवन अवश्य जाते हैं। भक्तों में ऐसी धारणा है कि यहाँ भगवान श्री राम और सीता जी के विग्रह का दर्शन साक्षात श्री राम और सीता जी के दर्शन के सदृश फलदायी है। विग्रहों के दर्शन से पहले भक्तगण प्रभु के चरण आकृति की पूजा करते हैं। यहाँ होने वाली प्रातः दोपहर संध्या और रात्रि की शयन आरती का विशेष महत्व है।